सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सोमनाथ भगवान की जय। सभी संतन की जय। उपस्थित सभी संत महात्माओं को ओम नमो नारायणाय। इस शताब्दी कार्यक्रम में ये 3 दिन के शिविर में जितने जिज्ञासु अलग अलग स्थानों से यहाँ पहुँचे हैं, सभी को हम अभिवादन करते हैं। उन सभी को ये प्रार्थना भी करते हैं, भगवान की कृपा, गुरु महाराज जी की कृपा आप लोगों पर बने रहें। बहुत ही आनंद का विषय है कि सोमनाथ के इस धाम में परम पूज्य कृष्णानंद स्वामी सरस्वती जी महाराज जी के शताब्दी उत्सव के प्रसंग में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। भगवान की कृपा अलग अलग प्रकार से होती है। अब कृपा को किस प्रकार हम स्वीकार करें, वो हम अपने मन को तैयार करके कर सकते हैं। उसके लिए एक निमित्त बनता है। वैसे संतों को, जो संत जीवन मुक्त है, जो यहां से शरीर छोड़ करके सभी चराचर के रूप में सर्वव्यापक में रहते हैं, उनके लिए कोई जन्माब्धि मानना, शताब्धि मानना या आराधना मानना इत्यादि में उनके दृष्टि से कुछ नहीं होता है। न तस्य प्राणा उत्क्रामंदी अत्रैव समवलीयन्ते, ये शास्त्र में कहा गया है कि ज्ञानी पुरुष यहां से कहीं जाते नहीं है। जो अज्ञानी है उनकी गति होती है दक्षिणायन, उत्तरायण अथवा तृतीय पंथा आदि गतियां बताई है शास्त्र में, लेकिन ये चतुर्थ गति है जो कहीं नहीं जाते हैं, केवल शरीर से अलग होता है। वैसे तो मृत्यु का अर्थ ही यह है कि सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का विच्छेद होना। वेदांत की दृष्टि से जन्म भी होता नहीं है, मृत्यु भी होती नहीं है। जन्म एक संयोग का नाम है, एक जोड़ का नाम है, जो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर जुड़ करके एक पिंड बन जाता है और वो शरीर धारण जैसा आकार लेकर के जीवन चलाता है, और मृत्यु उसका ही विपरीत। वो जो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर जुड़ गया, उन दोनों को अलग होने का नाम है। अब सूक्ष्म शरीर को व्यापक माना है, लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर व्यापक होता है। यह तो अज्ञानियों के दृष्टि से इतना कहा है, किंतु ज्ञानियों के लिए जो कामनाओं से मुक्त हुए हैं, अकामयमानः, कामनाओं से जिनकी मुक्ति हो गई है, यानी कोई कर्म नहीं है, कोई कर्म शेष नहीं, जीवन मुक्ति अवस्था को प्राप्त किए हैं, उनके लिए कोई गति के बारे में चर्चा करना सही नहीं है, ऐसा मानते हैं। उनकी कोई गति नहीं। अब गति नहीं तो उसका अर्थ क्या हुआ? तो इतना ही है कि उनका शरीर पहले दृश्यमान था,
प्रवर्तमान था, व्यवहार दृष्टि से दिखाई दे रहा था। अब वो शरीर वैसा दिखाई नहीं दे रहा है, शरीर में प्राणादि संचय जो सूक्ष्म शरीर है 17 तत्व वो अलग हो गया। अब अलग होने के बाद कहां गए कि बोलते हैं न तस्य प्राणा उत्क्रामंती, उनके प्राण यहां से निकल के कहीं जाते नहीं। फिर क्या होता है, अत्रैव समवलीयन्ते ब्रह्म सन ब्रह्म अप्येति, और यही लीन हो जाते। तो यही पंचभूत में शरीर का लय जैसा होता है, वैसे ही सूक्ष्म तत्वों में उसका लय होता है, उसके साथ एक हो जाता है। यानी अभी भी जीवन मुक्त पुरुष यही विद्यमान है, इस प्रपंच के शक्ति के रूप में, ब्रह्म भाव में, चैतन्य के रूप में, आत्मा के, हम सब के आत्मा के स्वरूप में विद्यमान रहता है। ये शास्त्र का वचन है। अपदस्य पदैषिणः, जिनकी गति के कोई चिन्ह नहीं होते हैं, ऐसे महाभारत में भी कहा इस विषय में, और उनके पद चिन्ह कैसे देखेंगे, चिन्ह पद का चिन्ह हो तब दिखाई पड़े। ये वास्तविक स्थिति है, किंतु अब पहले जैसा कहा कि हम शरीर से अभी देख नहीं पाते हैं, तो हमारी दृष्टि से वो शरीर चले गए हैं, अभी स्वामी जी है ही नहीं, तो हम फिर उनको याद करके, विशेष निमित्त को याद करके, उनके जो ज्ञान है, उनके जो ईश्वरीय भाव है, उसको अंदर स्वीकार करने के प्रयास करते हैं। और जब वो महान व्यक्ति के बारे में हम चिंतन करते हैं, हमारी भावना भी उसी स्थिति में पहुंच जाती है, या फिर हमें भी ऐसा मन में लगता है कि हमें भी उस स्थिति को प्राप्त करने चाहिए। कितने ऊंची स्थिति है, कितने आनंद की स्थिति है। यही ऐसे अवसर को साधन के रूप में उपयोग करने का विधान है। इसलिए मैंने कहा कि आप लोग इस निमित्त को अच्छी तरह प्रयोग कर रहे हैं, साधन के दृष्टि से साधन शिविर का आयोजन किया है। अब हमारा यहां आने का प्रसंग हुआ, स्वामी जी ने फोन करके बताया, 1 साल पहले भी बता रखे थे, किंतु महामारी के कारण सब विलंबित हो गया था। तो फिर जब स्वामी जी ने कहा, तो मैंने पहले वचन दिया था, जब आप ऐसा कार्यक्रम करेंगे हम आएंगे। यद्यपि मुझे और कुछ कार्यक्रम के आयोजन की दृष्टि से जाना था काशी में, तो मैंने कहा वचन दिया है, और ये जैसा निमित्त है वो हमेशा नहीं होता है, शताब्दी तो एक ही बार एक ही साल में मनाते हैं, तो मैं जरूर इसमें भाग लेकर के अपने को धन्य करूंगा। ऐसे स्वामी जी से संवाद हुआ था, ऐसे ही आपके बीच में आना हुआ। अब यहां सत्संग का जो विषय रखा है, चर्चा के विषय, अब ये भगवान शिव का धाम है, सोमेश्वर का धाम है, तो हम शिव के नाम लेकर के ही चिंतन करेंगे। जो भी यहां चर्चा का विषय रखा है वो शिव महिम्ना स्तोत्र है। इस स्तोत्र से तो सभी आप परिचित हैं, शिव की महिमा, उसका गान किया है,
पुष्पदंत आचार्य ने। बहुत सुंदर स्तोत्र है, प्राचीन स्तोत्र है, और विशेष करके उत्तर भारत में प्रायः सभी आश्रमों में प्रतिदिन संध्या के समय इसका पारायण होता है। और इस स्तोत्र को, इसकी तो बहुत महिमा है, इस स्तोत्र को रुद्री में नमक अध्याय के प्रतिरूप माना गया है। इसकी महिमा का कारण यह है कि रुद्र अष्टाध्यायी शुक्ल यजुर्वेद में आप जानते हैं, इसमें पंचम अध्याय नमक अध्याय है, जिसके बारे में हमने पहले सत्संग किए थे वहां बड़ोदरा में शिवानंद भवन में। उस मंत्र के, उस सूक्त के ये प्रतिरूप है, अर्थात जो व्यक्ति, जो साधक रुद्र अष्टाध्यायी का पाठ नहीं कर सकता, नमक चमक का पाठ सस्वर नहीं कर सकता, उनके लिए स्तोत्र ग्रंथों की रचना है। उसमें महिमना स्तोत्र विशेष करके नमक के लिए कहा। वैसे आप जानते हैं कि वेद का उच्चारण करना ही हमारा परम कर्तव्य है। स्वाध्यायो अध्येतव्यः, ऐसा सामान्य नियम है कि जो भी सनातन धर्मी, वैदिक सनातन धर्मी होकर हिंदू धर्म को परिपालन करने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले होकर जन्म लेते हैं, उनका वेदाध्ययन कहा गया है। अब तो वो बहुत लुप्त हो गया। कारण क्या है? वेदाध्ययन के साथ बहुत कुछ नियम भी होता है, स्वर सहित उसका अध्ययन करना, उसका पाठ करना, नियम से पाठ करना, ये कहा गया। यदि सर्वसामान्य कोई विधान वेद में है तो वो विधान मीमांसा दर्शन के अनुसार स्वाध्यायो अध्येतव्यः ये माना गया, यानी स्वाध्याय निरंतर करना चाहिए, स्वाध्याय को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, यानी नित्य कर्मों में स्वाध्याय को सम्मिलित करना चाहिए, ये हिंदू का धर्म है, ऐसा कहा गया। और बाकी जो पूजा पाठ जप तप आदि करते हैं वो उसके बाद में कहा, वो सब उसके अंग रूप में है, किंतु मुख्य क्या है? स्वाध्याय है। वो वहीं से लेकर के सारा मीमांसा शास्त्र प्रवृत्त होता है, और हम तैतरीय का अध्ययन करते हैं, तैतरीय में कहा ही है स्वाध्यायात्मा प्रमतः। स्वाध्याय से कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो जीवन में, दिन में जब जीवन को शुरू करते हैं तो स्वाध्याय के द्वारा शुरू करना है, और बाद में जो भी साधन आप अपनाते हैं करना। अब स्थिति यह है कि वेद का साक्षात स्वाध्याय हम नहीं कर सकते। हम जीवन में जितने फल चाहते हैं, सभी फलों के लिए, सभी फल को प्राप्त करने के लिए वेद में अलग अलग सूक्त है, कर्म है, विधान है, सब कुछ है। आप लोग शायद सुने होंगे, जानते होंगे। आप धन चाहते हैं तो धन के लिए है, पुत्र चाहते हैं तो पुत्र के लिए है, कीर्ति चाहते हैं कीर्ति के लिए है, स्वास्थ्य चाहते हैं उसके लिए है, कोई राजा महाराजा बनना चाहते हैं उसके लिए है, किसके लिए नहीं है? सबके लिए है। और वेद के 80% भाग उसी के लिए प्रवृत्त होता है। मैं ये सब क्यों कह रहा हूं कि स्तोत्र ग्रंथों के महात्म्य जानने के लिए, क्योंकि हमें अब एक स्तोत्र का अध्ययन करने जा रहे हैं, उसकी क्या महिमा है, क्यों स्तोत्र का अध्ययन करते हैं? क्योंकि बहुत सारे वेदांती लोग ये समझते हैं ये स्तोत्र जो है ना, ये सब ऐसे ही है, ये सब सामान्य लोगों के लिए है,
हम तो बड़े बड़े ग्रंथ का, उपनिषद का, वेद का, ब्रह्मसूत्र का अध्ययन करते हैं, स्तोत्र हमारे लिए नहीं, स्तोत्र सामान्य लोगों के लिए, ऐसे समझते हैं। इसलिए इसकी एक भूमिका बना रहा हूं। तो ऐसा वेद आपके सामने है, चार भाग में है और अनेक शाखाओं में 1180 शाखाएं हैं इत्यादि, विस्तार से वेद प्राप्त है। और वेद अंगों के रूप में श्रौद सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्भ सूत्र आदि बहुत विस्तार है। अब ऐसा है कि आप वेद अध्ययन करना है बोले तो आप वेद को कैसा भी अध्ययन नहीं कर सकते। वेद अध्ययन करना है उसको स्वर सहित अध्ययन करना है, ये ध्यान रखना है। ये समस्या यही खड़ी होती है, जो स्वर सहित वेद का पाठ करते हैं उसी को वेद पाठ मानते हैं, बाकी वो पुस्तक लेकर के हम करते हैं उसका अर्थ समझ सकते हैं। अब पुरुष सूक्त लेके आप पढ़ सकते हैं, पढ़ करके उसका अर्थ समझ सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है, उसमें कोई निषेध नहीं है, कर सकते हैं। किंतु उसको वेद पाठ, वेद उच्चारण मानना है तो स्वर चाहिए, स्वर के बिना नहीं होता। जैसे संगीत होते हैं ना, क्लासिकल संगीत होते, शास्त्रीय संगीत, अलग अलग संगीत में प्रकार है, शास्त्रीय संगीत है। अब शास्त्रीय संगीत को शास्त्रीय संगीत है ऐसा मानना है तो क्या करना चाहिए, शास्त्रीय संगीत का अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे उसका स्वर है, जैसे उसका रिदम है, उसी के अनुसार गाना पड़ेगा, तभी तो उसको शास्त्रीय संगीत कहते। ऐसे वैसे जैसे भी गाया तो उसको शास्त्रीय संगीत नहीं कहते, ऐसा ही इसमें स्वर है। अब जैसे गायत्री आदि मंत्र है, बहुत प्रचार में है, अब मंत्र की बात आ गई तो ये भी जानना चाहिए। गायत्री मंत्र को, गायत्री मंत्र का बहुत बड़ा फल बताया। इसका ये कारण है कि गायत्री मंत्र सर्वप्रथम दीक्षा मंत्र होता है। सर्वप्रथम जब दीक्षा लेते हैं, उपनयन करते हैं, तो उस समय गायत्री मंत्र देते हैं। मंत्र दीक्षा उसी को ही कहा जाता है, ब्रह्मचर्य दीक्षा उसी को ही कहते हैं। और वो उसमें ये प्रार्थना है कि मेरी बुद्धि ठीक हो जाए, तो मंत्र तो आप जानते हैं, उसी में यही इतनी प्रार्थना है कि हे भगवान, सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरी बुद्धि ठीक हो जाए, मुझे मेधा शक्ति मिल जाए, विवेक आ जाए। ये देखिए हमारी संस्कृति का सबसे पहला कदम है। सबसे पहले धन चाहिए ये नहीं मांगा, मेरा शरीर ठीक होना चाहिए ये नहीं मांगा है, उन्होंने यही मांगा कि मुझे मेरी बुद्धि ठीक हो जाए। क्योंकि बाकी सब कुछ आपके पास है, बुद्धि ठीक नहीं है तो आप देखो क्या होता है, सब कुछ है लेकिन दिमाग सही काम नहीं करता है, तो गया कुछ भी नहीं है बराबर है। इसीलिए यदि बुद्धि ठीक हो गई तो सब कुछ ठीक हो गया और सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं आपके जीवन में, जीवन को चारों पुरुषार्थ से युक्त कर सकते हैं। इतना सब कुछ फल है वो एक गायत्री मंत्र में, ठीक है। किंतु वो गायत्री मंत्र भी गायत्री मंत्र तब होता है जब आप उस वेद के स्वर के साथ उसका उच्चारण करते हैं। अन्यथा उच्चारण कर सकते हैं लेकिन वो गायत्री मंत्र नहीं होता, वो उसके शब्द का आप उच्चारण कर रहे हैं। हम गायत्री मंत्र उसको कहते हैं लेकिन स्वर सहित करने का कारण क्या है, उन स्वरों में कुछ रहस्य छुपाया हुआ है और वो रहस्य एक रिदम में आपके दिमाग में जाता है तो उसमें एक तरंग उत्पन्न करता है और वो तरंग आपके अंदर जो चेतन है उस चेतन के साथ संबंध बनाता है, एक ट्यूनिंग करता है, एक मिलाव करता है। इसीलिए उसके स्वर की इतनी महिमा है और वो एक एक वेद के साथ संबंध करता है तो अलग अलग वेद में स्वर का भेद भी होता है और उस वेद शाखा के जो व्यक्ति होंगे उसी के साथ उसको जोड़ करके करना पड़ता है। उसका कारण क्या है, उसके डीएनए में पहले से उसके तरंगे बैठी हुई होती है, उसके जानकारी बैठी हुई होती है, इसलिए उसके साथ मिलाते हैं। इसलिए बहुत शास्त्रीय है ये,
बिल्कुल साइंटिफिक है क्यों ऐसा स्वर का प्रयोग करना चाहिए, और वो भी बचपन में सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अभी हम बैठ करके स्वर सीखना प्रयास करेंगे नहीं आएगा, वो स्वर बैठेगा नहीं। जैसे आप अभी शास्त्रीय संगीत सीख सकते हैं क्या? नहीं सीख सकते, नहीं होता है। उसका एक समय होता है। कारण क्या है कि हमारा जो वोकल कॉर्ड है ना, जो गला है, वोकल कॉर्ड तो समझते हैं, गले में जो कुछ बनावटी है, अब वो छोटे बचपन में जब रहते हैं 5-6 साल 8 साल के बाद में धीरे धीरे वो सेटल होता है, वोकल कॉर्ड अपने एक ढंग से सेट होता है और उसके साथ दिमाग का संबंध होता है, एक हो जाता है, और उसके बाद उसको बदलना बड़ा मुश्किल होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसका क्या प्रमाण है? जैसे आप गुजराती है, हम दक्षिण के हैं, केरल के हैं, हम लोग जो है ना कितने भी अंग्रेजी सीखें, अंग्रेजी सीख करके अंग्रेजी में वार्तालाप करें, लेकिन जो अमेरिका के लोग जिस प्रकार अंग्रेजी बात करते हैं, ब्रिटिश लोग जिस प्रकार अंग्रेजी बात करते हैं, इंग्लैंड के लोग अंग्रेजी में जो बात करते हैं, वो एक्सेंट जो होता है वो कभी हमें आएगा नहीं। आप बोलते ही मालूम हो जाएगा कि आप गुजराती बोल रहे हैं, मैं बोलते ही अंग्रेजी बोलते ही सुनने वालों को मालूम हो जाएगा ये दक्षिण के हैं। अब कितना भी मॉडिफाई करो वो एक्सेंट नहीं आ सकता। कारण क्या है? क्योंकि हमारे जो वोकल कोड है, सिस्टम है, वो दूसरी भाषा के अनुकूल, हमारे जो संस्कृत से युक्त जो संस्कृति भाषा के अनुसार सेट हो रखा है। अब यही व्यक्ति यदि अमेरिका में जन्म लेता है, वहीं रहता है, इंडिया का है, लेकिन वो बोल सकता है, बहुत बढ़िया बोलता है, और वो बाद में आकर के कोई इंडियन लैंग्वेज पढ़ के नहीं बोल सकता। ये देखा है ना, ये कितना साइंटिफिक है, देखिए। अब ऐसा ही यहां होता है, इसीलिए वो बोलते हैं कि पहले ही वेद सीखना पड़ेगा, क्योंकि बाद में वो स्वर उठाना और स्थान को स्पर्श करना इत्यादि नहीं आएगा, वो परफेक्शन नहीं आएगा। अब एन प्रकार बोल सकते हैं लेकिन परफेक्शन नहीं आएगा, स्वर बिगड़ जाता है। और वेद की रक्षा हमारी परंपरा में स्वर के साथ बोलते। अब तो समझ गया ये हमारे से नहीं होने वाले, गया ना। अब वेद का हम नहीं कर सकते, केवल वेद का अर्थ सीख सकते, ठीक है ना। अब हमारे गुरुजियों ने सोचा, ऋषियों ने सोचा, जब जो व्यक्ति वेद नहीं अध्ययन कर सकता उनको क्या करें, उनको भी तो स्वाध्याय तो करना ही है ना, क्योंकि स्वाध्याय अध्येतव्य है, नियम है, उनको करना ही है। और जो वेद के अध्ययन करने के अधिकारी नहीं है उनको भी स्वाध्याय करना है। उनके लिए ऋषियों ने ये स्तोत्रों की रचना की। अब स्तोत्र ऐसे हैं, जितने वेद के सार हैं, उपनिषद के सार हैं, वो सारे स्तोत्रों में आ जाते हैं। उनको ब्राह्मण ग्रंथ में भी कहते हैं, अन्य प्रकार से भी कहते हैं। तो ऐसे ऐसे स्तोत्रों की रचना की, जो फल आपको पुरुष सूक्त पढ़ने से मिलता है, पुरुष सूक्त वेद का मंत्र है, सभी शाखाओं में पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त स्वाध्याय करने से जो फल मिलता है वही फल विष्णु सहस्रनाम पाठ करने से मिलता है। जो पुरुष सूक्त सस्वर नहीं पढ़ सकते, उनको नहीं पढ़ सकते, क्या करेंगे, तो वो विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। और वहां ये कहा, वहां केवल आप अक्षरों को उच्चारण ठीक करें हो जाएगा, आप अपने ट्यून बना सकते हैं। अब उसमें आप संगीत बजाओ, गाना क्या तबला बजाओ, कुछ भी करो, अब वो स्तोत्र है, स्तुति के लिए है, वो अपने हिसाब से उसको आप म्यूजिक करके अपने ट्यून में कर सकते हैं। शब्द उच्चारण गलत नहीं होना चाहिए, वो तो संस्कृत का जो शब्द है वो विष्णु बोलो तो विष्णु वषटकार है, वषटकार होना चाहिए, शब्द आना चाहिए। इसलिए स्तोत्रों की रचना की। और विष्णु सहस्रनाम का अर्थ आप देखेंगे, शब्दों का अर्थ देखेंगे, उपनिषद का पूरा सार उसमें है, ब्रह्म सर्वव्यापक है उसका सार उसमें है। भगवान शंकराचार्य जी ने विष्णु सहस्रनाम पर भाष्य लिखे,
कहते हैं उनका सबसे प्रथम भाष्य वही है, ऐसा कहते हैं इतिहास, ऐसे कहते हैं। तो ऐसे ऐसे स्तोत्रों की रचना की। अब उसमें आप भागवत देखिए अथवा कोई भी पुराण देखिए, पुराणों में स्तोत्र बहुत सारे मिलते हैं। अब विष्णु सहस्रनाम, शिव सहस्रनाम सब महाभारत में मिलते हैं। विष्णु सहस्रनाम दो है महाभारत। इस प्रकार पूरे विस्तार किया और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे परंपरा के परमाचार्य भगवतपाद शंकराचार्य जी ने प्रस्थानत्रयी माने उपनिषद ग्रंथ, ब्रह्मसूत्र, भगवद्गीता, इन पर उन्होंने भाष्य लिखे। प्रसन्न गंभीर बहुत सुंदर भाष्य लिखे। अब ये भाष्यों की स्थिति भी ऐसी है कि भाष्यों का अध्ययन करने के लिए आपको पूर्व तैयारी चाहिए। एक तो संस्कृत का अध्ययन करना पड़ेगा, दूसरा दर्शन शास्त्रों का ज्ञान चाहिए। दर्शन शास्त्र जो षट दर्शन है, सांख्यादि दर्शन, इनके भी ज्ञान चाहिए। कुछ कर्मकांड का भी ज्ञान चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं कर्मकांड का भी उदाहरण देते हैं। इन सब की तैयारी होने पर ही आप भाष्य को सीधा अध्ययन करके समझ सकते हैं, यानी यह बहुत गंभीर है, सर्वसाधारण के द्वारा साध्य नहीं है, प्राप्य नहीं है, ऐसा लगता है। उसका अर्थ, उसका तात्पर्य, उसका अनुष्ठान सभी के लिए है। मैं तो अध्ययन करने की दृष्टि से बोल रहा हूं, वो तो तैयारी के साथ ही अध्ययन किया जा सकता है। और वहां भी जो उपनिषद मंत्र है उनका भी नियम यही है कि आप स्वर सहित उसको ठीक से जाने तब हो सकता। अब इसलिए शंकराचार्य भगवान ने वेदांत शास्त्र के सार को जानने के लिए, वेदांत शास्त्र क्या कहता है इसको जानने के लिए, जो प्रस्थानत्रयी से अध्ययन सीधा नहीं कर सकते हैं या पूरा संपूर्ण अध्ययन करने में समर्थ नहीं है, उनके लिए प्रकरण ग्रंथों को बनाया। 35 से ज्यादा प्रकरण ग्रंथ है शंकराचार्य जी के, प्रकरण ग्रंथों को बनाए। और एक श्लोकी से लेकर के अनेकों प्रकरण ग्रंथ है। अब प्रकरण ग्रंथ में आपको छूट है, आप कोई भी अध्ययन करके, यदि अनुवाद का अध्ययन करते हैं आप गुजराती अनुवाद पढ़ के भी प्रकरण ग्रंथ को पढ़ सकते हैं और पढ़ा सकते हैं, यह छूट है। लेकिन प्रस्थानत्रय भाष्य में ऐसा सहज नहीं है। अब प्रकरण ग्रंथों में जो लिखा है वो पूरा प्रस्थानत्रय का सार लिखा है, लेकिन अलग अलग भाग करके लिखा, कि प्रकरण का लक्षण ये बोलते हैं, शास्त्र एक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहुस्तम प्रकरणम नाम ग्रंथ भेदम विपश्चितः। समग्र शास्त्र को लेंगे तो जैसा गीता एक समग्र शास्त्र है, उसका अर्थ है चारों पुरुषार्थ के लिए वहां कार्य है, यद्यपि मोक्ष शास्त्र कहते हैं उसको, लेकिन उसमें कर्म योग भी है, भक्ति योग भी है, अर्थो जिज्ञासिर अर्थाति ज्ञानी च भरदर्शवा भगवान ने कहा है, और एकादश अध्याय का कई प्रकार प्रयोग करते हैं। तो मोक्ष शास्त्र के अंतर्गत सब कुछ रखा है। तो जिसमें कर्म, उपासना, ज्ञान, चारों पुरुषार्थ की चर्चा हो, उसी को शास्त्र ग्रंथ कहते हैं, उसका नाम शास्त्र है, संपूर्ण शास्त्र ग्रंथ। तो उपनिषद प्रस्थान शास्त्र ग्रंथ है, वेद शास्त्र ग्रंथ है, स्मृतियां शास्त्र ग्रंथ है, इसी प्रकार भगवद्गीता शास्त्र ग्रंथ है। किंतु ये प्रकरण ग्रंथ जो होते हैं वो शास्त्रों के कोई एक विषय को लेकर के चर्चा करते हैं। तो शास्त्र एक देश संबद्धम ऐसा उसका भी अध्ययन हम कर सकते हैं, ये सर्व सामान्य के लिए है। और उसके बाद शंकराचार्य भगवान ने भी उस स्तोत्र परंपरा को अनुसरण करते हुए 94 से अधिक
स्तोत्रों की रचना की, बहुत सुंदर सुंदर स्तोत्र है। शिवानंद लहरी, आनंद लहरी, सौंदर्य लहरी, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, देवियों के स्तोत्र, विष्णु भगवान के स्तोत्र, गणेश जी के स्तोत्र, राम के स्तोत्र, हनुमान के स्तोत्र, सूर्य के स्तोत्र, ऐसे सभी देवताओं के स्तोत्र बनाए। और जो जिसके भक्त हैं वो स्तोत्र को लेंगे, पाठ करेंगे, लेकिन उन सभी स्तोत्रों में वेदांत का सार रखा है अलग अलग तल पर। इस प्रकार स्तोत्र ग्रंथों की महिमा है। तो आपको भगवान की स्तुति करना है, आप वेद मंत्र से करें या स्तोत्रों से करें, भगवान तो सुनेंगे। और कई लोग ये कहते हैं कि ये स्तुतियां जितने स्तोत्र ग्रंथ है ना, सभी तो संस्कृत भाषा में। अब संस्कृत भाषा में कहने पर कई लोग हमको प्रश्न करते हैं कि हमको तो समझ में नहीं आती है, हम क्या बोल रहे हैं। बात सही है, आपको संस्कृत भाषा नहीं आती है, तो आप शिव महिमा स्तोत्र का भी आप अर्थ विचार करेंगे तो अर्थ विचार किए बिना हमें मालूम नहीं पड़ता कि इसमें क्या बोला जा रहा है, ये सही है कि गलत है। आपको पता नहीं है कि आप क्या स्तुति कर रहे हैं, यह सही है, हमको पता नहीं। और कभी कभी हमें इच्छा भी नहीं होती है कि हम अनुवाद पढ़ के इसका अर्थ समझें। अभी शिव महिमा स्तोत्र पाठ किए हुए कितने हैं, इसमें बैठे हुए कितने हैं, हाथ उठाइए जो शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करते हैं, बहुत सारे। और कितने लोग अब तक इसका अर्थ का विचार किया, यानी जो अनुवाद है आपके गुजराती भाषा में अनुवाद लेकर के इसका अर्थ का चिंतन करने वाले कितने हैं, हाथ उठाइए। चलो दो चार तो है, ये अच्छी बात है। कभी कभी उसकी इच्छा ही नहीं होती, हम स्तोत्र पाठ करते। ये एक बड़ा विषय है, ये एक अच्छा विषय है, ये जानने का विषय है कि हम संस्कृत में बोलते हैं और भगवान को स्तुति करते हैं और हमें पता नहीं रहता है कि हम क्या बोलते हैं और भगवान हमें आशीर्वाद देता है, ये क्या भरोसा कैसे हो सकता है। क्यों, हमें पता नहीं है हम क्या पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और भगवान हमें आशीर्वाद दे देंगे। ये बहुत ही मजाक की बात है, अच्छी बात है कि ऐसा एक कार्य हो रहा है। जैसे हम विष्णु सहस्रनाम करते हैं, अब वो तो ठीक है, कम से कम नाम है तो कुछ नामों का अर्थ तो हमको पता ही है, तो विष्णु भगवान का नाम ही है, सब पर्यायवाचक है। तो ये जो विषय है ना, इस विषय में मीमांसा दर्शन में एक प्रश्न किया गया, इसलिए बहुत रसावह विषय है, इसलिए मैं बता रहा हूं, आप लोगों को जानने से प्रयोजन भी होगा। क्योंकि कई लोग समझते हैं ये कि हमें अपनी गुजराती भाषा में स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, संस्कृत में नहीं करना चाहिए, क्योंकि संस्कृत में करना हमारा गलत हो जाता है। वहां पूछा, वहां एक प्रश्नकर्ता पूछता है कि ये जो वेद मंत्रों का आप पाठ करते हैं पूजा में या स्तोत्रों का संस्कृत में पाठ करते हैं, उसका अर्थ ज्ञान नहीं होने से कैसा उसका फल मिलेगा, ऐसा प्रश्न किया पूर्व पक्ष ने प्रश्न किया। तो उन्होंने कई तर्क दिया, क्योंकि अब आप जानते ही नहीं आप क्या पूछ रहे हैं, क्या है आपका तात्पर्य, क्या भाव से आप कर रहे हैं, क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कोई गलत शब्द है कि सही शब्द, ये भी नहीं जानते और स्तुति करते जा रहे हैं, वेद पाठ करते जा रहे हैं, उसका फल होता है कि नहीं होता। और उन्होंने ये तर्क दिया कि शब्दों का अर्थ जाने बिना बोलना गलत है, शब्दों का अर्थ जाने बिना कोई प्रयोग करता है तो उसका फल नहीं होता है, कैसे होगा, अब शब्दों का अर्थ ही नहीं जानता। जैसा तोता रटते हैं ना, तोता को अर्थ नहीं मालूम है, उस जैसे शब्द रटाया जाए तो वैसे रटते हैं, ऐसा वो तर्क देता है। अर्थ जाने बिना वेद मंत्रों का प्रयोग बोलना नहीं चाहिए, ऐसा कहा।
किंतु एक पक्ष तो ये पक्का है कि जिन शब्दों का आप प्रयोग करते हैं उनका अर्थ ज्ञान अवश्य होना चाहिए। जैसा मैं कोई शब्द बोल रहा हूं आपके सामने, जिस शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं उसका अर्थ ज्ञान यदि मुझे नहीं है तो मैं कैसे प्रयोग कर सकता हूं, मेरा भाव कैसे प्रकट होगा, नहीं हो सकता। तो ऐसे ही तो आप कर रहे हैं, बिना अर्थ जान करके भगवान के सामने शब्द बोलते जा रहे हो, तो कभी उसका अर्थ प्रयोजन नहीं होना चाहिए। किंतु होता है, होना तो नहीं चाहिए था युक्ति के हिसाब से, लेकिन होता है। आप प्रार्थना करते हैं और फल हो जाता है, भगवान आशीर्वाद देते। तो वहां पूर्ववादियों ने, वहां जो प्रश्न करने वाले, ये बहुत लंबा चौड़ा अपना तर्क दिया कि अर्थ ज्ञान के बिना मंत्रों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, और जो भी कर्मकांड में, जो पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं वो सही नहीं है। पहले उस पुरोहित को, उस साधक को, कोई भी प्रयोग करता है उसको पहले अर्थ ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उसके बाद ही प्रयोग करना चाहिए। ये आपको भी सही लग रहा है ना, सही है। लेकिन समस्या ये है कि बिना अर्थ ज्ञान से भी प्रयोग करने पर फल होता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे? तब वहां सिद्धांति का अर्थ जो उत्तर देते हैं उसका समाधान करते हैं। उन्होंने कहा, देखो भाई, यदि वेद पाठ का या स्तोत्र आदि पाठों का, प्रकरण ग्रंथों का, संस्कृत का, कोई भी हो ग्रंथ का, अर्थज्ञान सहित, अर्थ जानने के बाद अर्थज्ञान सहित चिंतन करते हुए, मनन करते हुए यदि वेद पाठ करता है तो वह अति उत्तम है, इसमें कोई संशय नहीं, उत्तम के उत्तम है। उसको तो पूरा ही फल मिलेगा। पूरा फल क्या है? आध्यात्मिक फल भी मिलेगा, क्योंकि अर्थ का चिंतन कर रहा है, स्वाध्याय का फल भी मिलेगा, और जिसकी प्रार्थना कर रहे हैं धन आदि मोक्ष आदि जो भी होगा उसका भी मिलेगा, सब बढ़िया रहेगा उसका। किंतु जिस भगवान को आप प्रार्थना कर रहे हैं, उस भगवान की ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि आप अर्थ का ज्ञान के सहित ही प्रार्थना करें। यदि संस्कृत नहीं जानते हैं तो संस्कृत श्लोकों का प्रार्थना ना करें, ऐसे भगवान नहीं कहता। भगवान की ऐसी इच्छा नहीं। तो पूछा कि क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं? बोले कि देखो, अब भगवान संस्कृत जानता है कि नहीं जानता, यह पूछा उन्होंने वहां। भगवान संस्कृत जानता है, जिसकी आप पूजा कर रहे हैं वो तो संस्कृत जानता है ना, और आप क्या चाहते हो ये तो आपके मन में है। आप क्या चाहते हैं, जो भी धन आदि चाहते हैं ये आपके मन में है। अब मन में क्या है ये भी तो भगवान जानता है, और भगवान संस्कृत जानता है, इसीलिए आप संस्कृत न जानने पर भी आप इच्छा रख करके उस स्तोत्र का पाठ करेंगे तो भगवान तो जान लेंगे कि ये इस प्रकार से पाठ कर रहा है, वो मेरे लिए कर रहा है कि ये मांग रहा है, तो भगवान फल दे देंगे। इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? जैसे कोई उदाहरण के लिए आपको स्पष्ट समझ में आए, क्योंकि ये अच्छी बात है, समझने लायक है कि अभी जैसे गांव में लोग रहते हैं, वो लोग अंग्रेजी नहीं जानते। अब उनको कोई बड़े ऑफिसर को एक एप्लीकेशन देना है, अपने समस्या बता करके एक एप्लीकेशन लिखना है। वो क्या करते हैं, वो कोई व्यक्ति के पास जाएगा, जो वकील आदि होगा, जो भी लिखने वाला होगा अंग्रेजी जानता है, उसके पास जाएगा, अपनी समस्या बताएंगे, ये समस्या है आप अंग्रेजी में लिख करके दे दीजिए। वो अंग्रेजी में लिख करके देता है, स्टाम्प करके देता है, और ये ले जा करके वो ऑफिसर को दिखाता है। अब क्या है, जो ले जा रहे हैं उसकी समस्या तो है, समस्या का समाधान उसको करना है, लेकिन जो माध्यम, जो भाषा उपयोग कर रहे हैं अंग्रेजी, वो नहीं जानता है। वो अंग्रेजी में क्या लिखा उसको पता नहीं है, लेकिन लेके वो जब वो ऑफिसर के पास देता है, ऑफिसर उसको पढ़ लेता है, क्योंकि वो तो अंग्रेजी जानता है। अब उसका समस्या का समाधान हो जाता है। अब ये तो जब संभव है कि आपको अंग्रेजी जानने से ही आप आवेदन दे सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। आवेदन तो आप किसी माध्यम से दे सकते हैं,
लेकिन आवेदन स्वीकार करने वाले को भाषा आना चाहिए। अब जो गुजराती नहीं जानता, जैसा मैं गुजराती नहीं जानता हूं, अब मेरे को आप कोई गुजराती में आवेदन देंगे तो मुझे समझ में नहीं आया कि आपने क्या आवेदन दिया है। लेकिन जिसको आप आवेदन दे रहे हैं वो तो भाषा जानने से काम हो जाएगा। इसीलिए संस्कृत भाषा तो भगवान जानता है, क्योंकि भगवान की भाषा है, वो देववाणी है। तो आप संस्कृत में जप करो या संस्कृत में स्तुति करो, गुजराती में करो, कोई भी भाषा में करो, वो अच्छा होता है। लेकिन संस्कृत की अपनी एक महिमा है, इसके कारण उसका होता है। और फल तो आपको दोनों तरफ से मिलेगा, गुजराती में बोलो तो भी मिलेगा, संस्कृत में बोलो तो भी मिलेगा, अंग्रेजी में बोलो तो भी मिलेगा, क्योंकि वो तो जानता है, जो सुनने वाला जानता है। इसके लिए एक और सुंदर दृष्टांत वहां है, वो हमारे शुक्ल यजुर्वेद संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद संहिता के सबसे पहले मंत्र, वो मंत्र है एक पेड़ की स्तुति है। एक पेड़ के पास खड़ा रहता है, औदुम्बर की पेड़ है, औदुम्बर वृक्ष आप जानते हैं, वो औदुम्बर के पास खड़ा रह करके वो यजमान स्तुति कर रहा है। किसकी स्तुति कर रहा है? वो पेड़ को पूछ रहा है कि आपके एक शाखा मुझे चाहिए, एक टहनी काटने इतनी लंबी सी। वो क्या है, दूध का दोहन करना है दूसरे दिन हवन के लिए, दर्श पूर्णमास पूर्णिमा के दिन हवन करने के लिए दूध चाहिए, दही चाहिए, उसके लिए वो पूछता है। अब वो लकड़ी की टुकड़ी कितने चाहिए, थोड़ी सी चाहिए, वो किसके लिए, वो बछड़े को अलग करने के लिए। उसमें नियम है दूध दोहन करते समय बछड़े को अलग करना है, इतने के लिए वो लकड़ी के से प्रार्थना है। अब यहां प्रश्न हो गया कि वो पेड़ तो संस्कृत नहीं जानता है, अब वो संस्कृत में जाकर क्या प्रार्थना कर रहे हैं, इषे त्वा और जे त्वा, ये मंत्र शुरू होता है कि ये पेड़ को स्तुति कर रहे हैं कि ये पेड़ आप बहुत तेजस्वी हो, आप तो चैतन्य स्वरूप हो, भगवान का अवतार हो, ऐसे स्तुति करके मांग रहा है कि आप एक टहनी मुझे दीजिए, ऐसे करके प्रार्थना कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पेड़ काटने के लिए, फूल तोड़ने के लिए, जैसे तुलसी की हम पूजा करते हैं, बिल्वपत्र की पूजा करते हैं, ऐसे सभी को पूछ करके करने की विधान है वेद में। सभी को हम आदर देते हैं क्योंकि सभी के अंदर देवता को मानते हैं, वो पेड़ नहीं है, पेड़ के अंदर देवता है। तब वहां पूछा कि ये क्या बात कर रहे हैं, पेड़ में जा करके बोलेंगे, पेड़ को तो संस्कृत नहीं आता है ना, चलो कम से कम भगवान विष्णु को, शिव जी को, सब देवताओं को आता है मान लेंगे, संस्कृत आता है, लेकिन पेड़ को तो नहीं आता है। अब पेड़ के पास जाकर के ये कैसे बात कर रहा है, अब पेड़ की भाषा में बोलनी चाहिए ना। तब वहां भी ये उत्तर दिया। अब देखिए, एक वेद शाखा के प्रथम मंत्र ऐसा है कि वो पेड़ की स्तुति कर रहा है, पेड़ सब हमारे लिए देवता है। वहां कहता है कि आपको जो पेड़ दिखाई दे रहे ना, वो पेड़ नहीं है, वो वृक्ष नहीं है, वो वृक्ष में देवता है। और जब स्तुति करते हैं वो वृक्ष में जो चैतन्य रूप से देवता स्थित है, उस चैतन्य देवता को हम स्तुति करते हैं, क्योंकि जैसा हमारा शरीर है वैसा वो वृक्ष का शरीर है। अब उसकी एक शाखा हमें चाहिए, तो जैसा पूछना पड़ेगा कि आप शाखा कैसे काटेंगे, उसका शरीर है, वो तो अवयव है, उसका अंग है, तो इसीलिए वृक्ष में भी देवता है। ऐसे हैं ये इन स्तुतियों की महिमा, ये ऐसे सामान्य नहीं होते हैं, इनके अर्थ का विचार करो तो ये तो ब्रह्मज्ञान तक ले जाते हैं। वेदों की सारे स्तुति, ऋग्वेद तो सारे स्तुति पूर्ण है, प्रायः स्तुति ही है ऋग्वेद में, सभी स्तुतियां इस प्रकार के हैं। तो हमारे संस्कृति की महिमा देखिए कि कहां से शुरू करके कहां ले जा करके कितनी सरल भाषा में सबको, सबके पास ज्ञान पहुंचे, इस दृष्टि से उन्होंने बनाया। और संस्कृत भाषा में ही लिखा ऐसे नहीं, अन्य भाषा में भी लिखा है, आचार्यों ने अन्य भाषाओं में लिखा। संस्कृत भाषा में स्तुतियां लिखना, स्तोत्र लिखना सरल इसलिए है, उसमें छंद शास्त्र अच्छा है, अनेक प्रकार के छंद है। अभी जैसा यहां आप देखेंगे सुंदर छंद में महिन स्तोत्र का गान आप कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, यहां वेद का स्वर नहीं चलता है, यहां स्तुति है, स्तुति में आप गान कर सकते हैं। तो इस प्रकार की महिमा शिव महिन स्तोत्र की है।
ऐसे स्तोत्रों में अनेक स्तोत्र प्रचार में है और अनेक स्तोत्र प्रचार में नहीं है। जो सरल से सरल स्तोत्र है वो प्रचार में है, जैसा गंगा स्तुति है, यमुना स्तुति है, नर्मदा स्तुति है। हम पंचाक्षरी मंत्र के जो है स्तुति शंकराचार्य जी ने लिखे हैं, बहुत सारे शिव स्तोत्र है, अन्य अन्य आचार्यों के ऋषियों के लिखे हुए स्तोत्र है, इन सब का हम पाठ करते हैं। उन सभी में हमारी परंपरा में इस महिमन स्तोत्र को बहुत उत्तम माना है। शिव के स्तुति के लिए महिमन स्तोत्र बहुत उत्तम है, इसलिए जैसा हमने कहा यह वेद मंत्र का प्रतिरूप है और वेद में जो व्याख्या की है, जिस परमात्मा की व्याख्या की है, उसको यहां प्रकट किया गया। अब हमारे पास जो स्तोत्र प्राप्त है इसमें कैलाश आश्रम की परंपरा में वहां से प्रकाशित ग्रंथ में 42 श्लोक है, 42 श्लोक है। उसमें पूरा शिव महिमना नहीं है, शिव महिमना के अतिरिक्त भी कुछ स्तुति अंत में जोड़े गए हैं। अब हम पूरे 42 स्तोत्र का यहां अध्ययन नहीं कर सकते हैं, इसका विचार नहीं कर सकते हैं, समय नहीं है हमारे पास। 6 सेशन है यहां और उसमें हम निश्चय किया कि इनमें से सेलेक्टेड वर्सेस का, कुछ चयनित श्लोकों का विचार करेंगे। चयनित श्लोकों में शिव महिमन स्तोत्र के अंतर्गत पहले का 9 श्लोक, प्रथम जो 9 श्लोक और उसके बाद में 24 के बाद का जो 6 श्लोक, पहले आरंभ से लेकर के 9 श्लोक तक, फिर 24 के बाद में 6 श्लोक, इसके बीच में जो 10 से 24 तक जो श्लोक हैं, ये प्रायः कथाओं पर आधारित है। पुराणों के अलग अलग कथाओं को लेकर के, दृष्टांत देकर के, उसी के द्वारा भगवान की स्तुति है। और पहले का जो 9 श्लोक और बाद के जो 6 श्लोक है, ये तत्वाधिष्ठित श्लोक है, तत्व विचार है इसमें। इसलिए 9 और 6 मिलाकर के हमारे 15 श्लोक हो जाते हैं। हम प्रयास करते हैं कि ये 15 श्लोकों पर यहां विचार हो, जो तत्वाधिष्ठित श्लोक है। इसमें ज्ञान के भी विचार होंगे, भगवान के निराकार, साकार, सगुण, निर्गुण, कुछ लीलाएं, इन सब के साथ ब्रह्म स्वरूप में, निराकार निर्विशेष स्वरूप में भगवान की स्तुति करेंगे। परमेश्वर के, उनके मूर्ति के रूप में 2 मूर्तियां हैं, एक तो निराकार मूर्ति है, अब दूसरे साकार मूर्ति है। निराकार निर्गुण मूर्ति, साकार सगुण मूर्ति। तो ये सब हमारे लिए आराध्य है। तो जिस भाव में हम प्रारंभ करते हैं उसमें हमारा मन एकाग्र होता है, तो धीरे धीरे आगे समझ में आता है। इसलिए सगुण साकार से आरंभ करते हैं और उसके बाद सगुण निराकार के चिंतन करते हैं और फिर बाद में निर्गुण निराकार के चिंतन करते हैं। ऐसा 3 स्तर होता है, पहले सगुण साकार और निराकार, सगुण निराकार, फिर निर्गुण निराकार, उसके बाद वो व्यापक तत्व हमें समझ में आता है। ऐसे ऐसे ही क्रम है, उस क्रम के अनुसार हम यहां 15 श्लोकों का विचार करेंगे। और इन महिमना स्तोत्र के बहुत सारे ऐतिहासिक कारण भी है कि महिमना स्तोत्र के इतने महिमा है। कहते हैं
कि पुराने शिलालेखों में लगभग 1200 एडी के पहले के बहुत सारे शिलालेखों में, केवल भारत में नहीं, भारत से बाहर भी अन्य देशों में भी शिलालेखों में महिना स्तोत्र की पंक्तियां प्राप्त हुई। इसका मतलब ये कम से कम 1200 से पुराना ही है। उससे भी प्रामाणिक होता है बहुत समय से ये परंपरा चलती आ रही और हमारे वेदांत के प्रामाणिक आचार्य हैं श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज। मधुसूदन सरस्वती जी महाराज विष्णु भक्त भी थे और वे शिव भक्त भी थे। उन्होंने जो प्रसिद्ध श्लोक है वंशी विभूषित करार नवनीदनाभात, ये जो श्लोक आप सुनते हैं ये उनकी रचना है और अंतिम समय में वृंदावन में ही अपने जीवन व्यतीत किए, जीवन मुक्ति अवस्था में वहीं उन्होंने अपने जीवन व्यतीत किए। वैसे तो काशी में निवास करते थे। उनकी ये कथा है कि वे जन्म से बंगाल से हैं, वहां वैष्णवों का बहुत प्रचार है, वैष्णव संप्रदाय भक्ति संप्रदाय बहुत है, द्वैत संप्रदाय। वे काशी में इसलिए आए थे कि हम अद्वैत दर्शन का अध्ययन करेंगे और अद्वैत दर्शन का खंडन करेंगे, हम द्वैत दर्शन को पुनस्थापित करेंगे। ऐसे उद्देश्य से काशी में आए और अद्वैत दर्शन का अध्ययन किया, वेदांत का अध्ययन किया, शंकर भाष्यों का अध्ययन किया, प्रकरण ग्रंथों का अध्ययन किया, नव्य न्याय व्याकरण इत्यादि शास्त्रों का अध्ययन किया। तो करते करते जब वह ब्रह्मसूत्र आदि अध्ययन किए पूरे हो गए तो उनको ये लगा कि जो मैं खंडन करने के लिए आया हूँ वो मैं स्वीकार कर रहा हूँ, स्वीकार कर चुका हूँ, ऐसे है उनके। उन्होंने खंडन करने के लिए वेदांत अध्ययन किए थे और बाद में वो पक्के वेदांती बन गए और जिस पक्ष को लेके आए थे उस पक्ष का, द्वैत का उन्होंने खंडन किया और ऐसे ग्रंथों की रचना की, अद्वैत सिद्धि जैसे ग्रंथों की रचना की, ऐसे महात्मा है। तो उन्होंने महिना शिव महिना स्तोत्र पर भाष्य लिखे हैं, संस्कृत भाष्य लिखे हैं और उसमें उन्होंने एक कलाकारी दिखाई कि शिव महिना स्तोत्र को ही शिव पक्ष में भी कहा और विष्णु पक्ष में भी कहा। ये बहुत आश्चर्य बात है, एक स्तोत्र से एक श्लोक से कैसे शिव की तरफ व्याख्या करेंगे, कैसे विष्णु की तरफ व्याख्या करेंगे, वो दोनों को जोड़ा, क्योंकि वो वैसे थे शिव जी और विष्णु दोनों के भक्त थे। अब ये संस्कृति की कलाकारी है, हम तो उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, कभी हम अन्य एक अवसर पर विस्तार से पूरे श्लोकों का और विष्णु पक्ष शिव पक्ष दोनों की चर्चा करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा कैसे शब्दों को बदल देते हैं। वैसे शब्द जो आपके पास शब्द है शिव महिना स्तोत्र का शब्द वही है, उसका अन्वय का क्रम बदलेंगे, पदच्छेद को बदलेंगे और वो विष्णु के पक्ष में चला जाए, ऐसे महिमा इस शिव महिना स्तोत्र की है। इसीलिए क्या मैं कह रहा हूं कि शिव महिना स्तोत्र शिव भक्त भी पाठ कर सकते हैं और विष्णु भक्त भी पाठ कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले कहा विष्णु भगवान को आप स्तुति करेंगे तो आप विष्णु भगवान उनके अर्थ में ले लेंगे, ये मेरे लिए कह रहा है, और शिव को स्तुति करेंगे तो शिव अपने अर्थ में ले लेंगे, तो दोनों के लिए हो सकता है, इसलिए वैष्णव लोग भी इसका पाठ कर सकते हैं, ऐसी महिमा है, ऐसे मधुसूदन सरस्वती जी ने दिखाया, तो हमारे प्रामाणिक आचार्य। तो इस प्रकार इसका हम अध्ययन करेंगे और अध्ययन का क्रम हमने बताया, पहले का 9 श्लोक और फिर 24 के बाद का 6 श्लोक और शेष समय रहा तो आगे पीछे की स्तुति बताएंगे। तो समय अधिक ही हो गया, मैं थोड़ा समय का सावधान नहीं रखा। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।